एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में गोरी सब्जियां बेचती थी। उसकी सब्जियां तरह ताजो होती थी, इसलिए उसकी सब्जियां हर कोई जंगल के पंछी खरीदते थे। सब्जियां ले लो सब्जियां, सब्जियां ताजा ताजा सब्जियां, सब्जियां ले लो सब्जियां। गोरी, आज तो तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं और ऊपर से फ्रेश भी लग रही हैं। जरा आधा किलो मुझे बैगन तो देना। हाँ मिठू भैया, क्यों नहीं होगी, इतनी हिफाजत जो करती हूँ, आधे किलो से क्या होगा, किलो ही कर लो बैगन। ठीक है गोरी, चलो किलो ही कर दो फिर, आज तुम्हारी कहने पर किलो ले लेता हूँ। माल बहुत अच्छा है और ताजा ताजा भी है मिठू, तुम्हें ये माल बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब मैं चलती हूँ, आगे भी सब्जियाँ बेचनी है मुझे। ऐसे ही गोरी सारा दिन जंगल में सब्जियाँ बेच कर आती है, पूरे 1000 हुए हैं। हाय काश ज्यादा हो जाते तो ज्यादा मुनाफा होता। चलो कल ज्यादा मुनाफा होगा, कल ज्यादा मुनाफा करके आऊंगी। ऐसे ही अगले दिन फिर सब्जियां उगाती है और फिर खेत में आकर सब्जियां तोड़ती है। वो हर रोज जाती जंगल में और जंगल के पंछियों को जाकर सब्जियां बेच कर आती। सब्जियां तो खत्म हो गई। अरे गोरी बहन, टमाटर हैं क्या, ताजे ताजे टमाटर? मैंने आज आलू गोश्त बनाना था, है क्या टमाटर आपके पास? नहीं नहीं रानू बहन, आज तो सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं आपको टमाटर नहीं दे पाऊंगी, कल ही लेकर आऊंगी। आजकल सब्जियां जल्दी खत्म हो जाती हैं, मेरा क्या होगा, और पूरा 1000 रुपया बना है। काश मेरी सब्जियां जल्दी पक जाती तो ज्यादा कमाती। ऐसे ही गोरी माँ के पास जाती है। माँ, सारे ग्राहक वापस चले जाते हैं खाली हाथ, काश मेरी सब्जियां ज्यादा पकती तो ज्यादा दाम से बेचती मैं। बेटा तुम ये खाद ले जाओ, इसे अपनी फसल में डाल दो, ये जहरीली खाद डालने से तुम्हारी सब्जियां जल्दी उग जाएंगी और तुम्हें मुनाफा भी देंगी। बेटा इस तरह तुम्हें खाली टोकरी लेकर घर नहीं आना पड़ेगा। हाँ माँ, आधा दिन तो वेस्ट होता है मेरा, सब्जियाँ जल्दी खत्म हो जाती हैं। ये कहकर गोरी अपने खेत में आती है। जल्दी से मैं ये दवा डाल देती हूँ और ये जहरीली खाद डालकर, वाह वाह मेरी सब्जियों के आकार भी बड़े हो गए हैं और अब तो सब पक चुकी हैं। अगले दिन गोरी, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है, माँ का टोटका तो काम आया, शुक्र है माँ से पूछ ली। अब तो मैं ये जहरीली दवा और भी ज्यादा डालूंगी ताकि ज्यादा मुझे मुनाफा हो और सब्जियाँ जल्दी पके। मेरी सब्जियाँ तो आज लाल हुई पड़ी हैं। अरे मिट्टू भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो कुछ ऐसा खाती भी नहीं हूँ, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। बुलबुल दीदी के पास लेकर चलो। आई, मेरे पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है मिट्टू, ले चलो जल्दी। ऐसे ही मिट्टू रानो को बुलबुल दीदी के पास। देखो रानो, तुमने जहरीली सब्जी खाई है जिसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब हो गया है और जंगल के सारे पंछी भी यही आए हैं, उनका भी पेट खराब हो गया है। क्या खाया था बताओ मुझे? ऐसे ही रानो चली जाती है दवा लेकर। देखो सारे गांव के पंछियों, हम तो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ गोरी से सब्जियां खरीदते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ मिलाती है। मुझे ये सब पता करना होगा कि गोरी क्या चाल चल रही है। मैं जल्दी से इसमें जहरीली खाद डाल देती हूँ, आज कुछ मेदार ज्यादा कर देती हूँ सब्जियों में। अच्छा तो ये सब है, अभी जाती हूँ जंगल के सब। गोरी तुम हमें जहर खिला रही हो और हमारा नहीं, आप, आप गोरी हमने तुम्हें नंगे हाथों पकड़ा है, अब तुम झूठ भी नहीं बोल सकती, आज के बाद हम तुमसे सब्जियां नहीं खरीदेंगे, चलो रानो चलते हैं। गोरी तुम्हारी वजह से जंगल के सारे पंछियों की तबीयत खराब हो रही है
और उनके पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें ये खाद बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी, नहीं डालूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, यहाँ से मत जाओ, मेरी सब्जियाँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अब तुम्हें सजा तो मिलेगी। ऐसे ही गोरी को उसकी किए की